दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं आपको पौड़ी जनपद के पूर्वी मुनियार शूह का एक घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड का मौसम अब लगभग बदल चुका है। डेली हम अपनी घटनाओं पे ही आधारित रहते हैं, क्यों ना जहाँ हम रहते हैं वहाँ के वातावरण के बारे में और वहाँ के मौसम के बदलाव के बारे में भी मैं आपको बतलाता चलूँ। आजकल यहाँ पे जो हमारे धान की फसलें थी वो सारी कट चुकी है और लोग गेहूँ बोने की तैयारी में हैं। जो हरियाली इन घास के ढलवानों में प्लाटों पे जो घास थी वो धीरे धीरे अब लाल होने वाली है और इसके बाद लोग जाड़ों के लिए इस घास को काटकर अपने जानवरों को संरक्षित रखेंगे और पूरे जाड़ों में जब यहाँ बर्फ़ गिरेगी उसके बाद इस घास का उपयोग होगा। जाड़ों के लिए लोग लकड़ी, घास, इस प्रकार की सारी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। और जो पेड़ आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो एकदम हरे हैं, ये चारा पत्ती के पेड़ हैं। और जब जाड़ों में और पौधों की जो पत्तियां हैं वो गिरने लगेंगी, उससे पहले लोग इसे काटकर अपने गाय भैंसों का चारा देंगे। इसमें जो हरा वाला पेड़ है ये भीमल का है और जो चौड़े पत्ती वाला पेड़ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग टिमुला कहते हैं। ये अंजीर के जैसे बड़ी वैरायटी है और ये कैंसर की दवा के लिए बहुत कारगर सिद्ध माना जाता है। और परंतु हमारे यहाँ इसकी पत्तियों का उपयोग जो है वो गाय भैंसों को चारे के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस उत्तराखंड के या गैरसैंण के वातावरण के बारे में मैंने इस वीडियो के अनुसार आपको बताया कि अब हमारा जो मौसम है वो गर्मियों से बदल कर जाड़ों की ओर जा रहा है और धीरे धीरे लोग जो है अब स्वेटर, कोट, जैकेट इसको पहनना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने घटनाक्रम पे। तो ये पौड़ी जनपद का 2007 का घटनाक्रम है। पौड़ी से एक जो रोड है वो रोड सतपुली के लिए जाती है। एक तो मेन जो हाईवे है और एक पौड़ी से कंडोलिया और कंडोलिया से गांवों को जोड़ते हुए दूसरी तरफ से नयार नदी को पार करने के बाद ये सतपुली मिलती है। इस सड़क पर कंडोलिया से लेकर आडवाणी तक पूरे घने बांस के जंगल हैं। बहुत अच्छा वातावरण, क्योंकि कंडोलिया बहुत ठंडा एरिया है। जाड़ों में यहाँ बर्फ गिरती है और बांस के जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष यहाँ हो चुके हैं वे जो है प्रत्येक का मन मोह लेते हैं। आडवाणी में वन विभाग का विश्राम गृह है और उसके बाद जो ये सड़क है ये सीधे बांगघाट यानी सतपुली से 5 किलोमीटर पीछे तक उतराई में चले जाती है। यानी आडवाणी बहुत ऊंचाई पे है और बांगघाट सीधी नयार की जो नदी है उस तक लगभग 1000 मीटर का जो है वो ऊंचाई में अंतर है। तो आप लगा लो आडवाणी से हम 1000 मीटर सीधे नीचे उतरेंगे। इस एरिया पे जहाँ ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ अभी तक लेंटीना का प्रभाव नहीं है, परंतु जब धीरे धीरे हम घंडियाल धार, जहाँ पे घंडियाल का बहुत बड़ा मंदिर है और लोग यहाँ दर्शन करने और पूजा देने यहाँ आते हैं, और उसके बाद और आगे हम जब चलते हैं तो नीचे बनेक
और बनेक के बाद डड्डू खाल, उसके बाद मूंगा बैंड और उसके बाद मांगघाट आ जाता है। तो घंडियाल धार से जब हम नीचे को जाते हैं तो लेंटीना धीरे धीरे इस क्षेत्र में फैली हुई दिखाई देती है, और नीचे जब हम लगभग डड्डूखाल और बूंगा बैंड तक पहुंचते हैं तो ये सारा एरिया जो है लेंटीना से पटा हुआ है। वन्य जीवों में यहाँ काकर, वॉकिंग डियर, खरगोश बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और नीचे वाले एरिया पे गुलदार अक्सर सक्रिय रहते हैं, जबकि पौड़ी वाले एरिया पे जो गुलदार हैं वो भी सक्रिय तो नहीं, परंतु जब हम रात को इस रोड पे चले तो लगभग दिखाई देते हैं। परंतु लेंटीना क्षेत्र के जो गुलदार हैं लगभग हर 2-3 साल बाद आदमखोर हो जाते हैं। ये घटना घंडियाल धार से नीचे जो बनेक है, बनेक के बगल पे एक गांव है मोनिया सुरमाड़ी। सुरमाड़ी में अर्जुन सिंह का परिवार रहता था, उसके एक बेटा और एक बेटी थी, और रोज की तरह जो उनका कार्य था वो खेती का था। ये बरसात का मौसम था, सब्जी की बेलें, मक्का और जो भी बरसात में कोई बेल होती है, कद्दू की बेल है, इसको लगभग लगभग लोग अपने घरों के नज़दीक ही बोते हैं, जिससे हर पौधे का बरसात में उगना और फैलना, इससे एक नेचुरली छुपाव जो है वो बन जाता है। ये घटना 11 जुलाई 2007 की है। शाम के समय इनका 6 वर्षीय बेटा जो इसी साल विद्यालय गया था वो अपने साथियों के साथ वहीं घर के आंगन में खेल रहा था, क्योंकि छुपाव बहुत ज़्यादा था। गांव के किनारे इनका घर था और उसके बाद लगभग लगभग जो खेत हैं वो खेत घर के बगल से ही शुरू हो जाते हैं। इन खेतों में उस समय फसल थी, और फसल भी एकदम उस समय एक छुपाव गुलदार के लिए एक छुपाव का कार्य करती हैं। लगभग अंधेरा होने वाला था उस समय, इस क्षेत्र पर कोई गुलदार सक्रिय नहीं था, और इससे पूर्व जो गुलदार सक्रिय था 2007 में, जिसने वहाँ पे लगभग 4 लोगों को मारा था, और आपने मेरी घटनाओं में भी उसका जिक्र देखा होगा, नयार घाटी का आदमखोर मारा जा चुका था, इसलिए अभी तक इस क्षेत्र पे कोई आदमखोर सक्रिय नहीं था। उस दिन एक गुलदार इन बच्चों को खेलते हुए देखकर शायद धीरे धीरे घात लगाए इनके घर के नज़दीक पहुंच गया, और जो शाम हुई और उसको हमला करने का एक सही समय मिला, और उसने पवन पे हमला कर दिया, और पवन को मुंह पे उठाए ये गुलदार वहां से भाग निकला। तुरंत घर पे उसकी माँ थी, एकदम हो हल्ला हुआ, और लोग जो है खेतों में उस बच्चे को ढूंढने के लिए उस गुलदार के पीछे भागे। लगभग 200 मीटर के बाद ये गुलदार उस बच्चे को वहीं छोड़कर भाग निकला। लोग फटाफट वहां पहुंचे, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, परंतु गुलदार के कैनाइल इस बच्चे के गले को आर पार कर चुके थे, शायद इसकी गर्दन भी टूट चुकी थी, और बच्चा अंतिम सांस ले रहा था। जब लोग ने उसको उठाया तो उठाते ही बच्चा इस दुनिया में अब नहीं था, उसकी सांसें थम चुकी थी। जो बच्चा
अभी अपने आंगन में खेल रहा था, उसकी माँ उसको खेलते हुए मनी मन मुस्कुरा रही थी। अब उसके पास सामने जब उस बच्चे का शव आया तो आप लगा सकते हैं एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। जिस बच्चे को उसने 6 साल तक अपने छाती से लगाए पाला, गुलदार ने उसकी जीवन लीला एक झटके में समाप्त कर दी थी। और दोस्तों, पौड़ी का बनेक आदमखोर सक्रिय हो चुका था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, प्रशासन को दी गई, और उस समय DFO DN सेमवाल जी ने तुरंत वाइल्ड लाइफ चीफ को इस गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए अनुरोध किया। परंतु वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इसे आदमखोर घोषित नहीं किया गया। वन विभाग ने इस क्षेत्र पे पिंजरे लगाए और प्रशासन ने उस बच्चे का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनको जो धनराशि विभाग द्वारा दी जाती है वो धनराशि प्राप्त कर ली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु गुलदार जो है वो पिंजरे पे नहीं आया, बल्कि लगभग 20 दिन ये एकदम नदारत रहा। लोग धीरे धीरे अब इस घटना को भूलने लगे थे, परंतु 20 जुलाई को इस गुलदार द्वारा सुनील कुमार की बेटी अंकिता पर घंडियाल धार में हमला कर दिया। हमला करने पर क्योंकि घर वाले भी वहीं पे थे और ये गुलदार जो झाड़ियाँ और जहाँ पे इनका घर था उसके बगल पे एक नाला था, जिस नाले में पूरा छुपाव था और सड़क से ज़्यादा दूर तो नहीं था परंतु थोड़ा दूर था। जब ये गुलदार धीरे धीरे शायद नाले से घात लगाए हुए इनके घर के नज़दीक पहुंचा और एक जब उसने बच्चे को वहां पे एकांत देखा तो तुरंत उसने अंकिता पे हमला कर दिया। अंकिता जोर से चिल्लाई तो उसके माँ बाप घर ही पे थे, तो वो तुरंत बाहर निकले। उन्होंने देखा एक बड़ा सा गुलदार जो है वो अनिता के ऊपर झपट रहा है और उन्होंने तुरंत जो उनके हाथ आया उससे उन्होंने गुलदार पे वार कर दिया। गुलदार ने देखा कि मेरे पे हमला हो रहा है और चारों ओर से मेरे पे जो है लोग चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, तो गुलदार ने उस बच्ची को तुरंत वहीं पे छोड़ दिया और तुरंत छलांग लगाते हुए वह उन झाड़ियों में गुम हो गया। बेटी पे उस गुलदार द्वारा नाखूनों से बहुत गहरे जख्म दे दिए गए थे, परंतु सुख ये था कि गुलदार ने उसके गले पे दांत नहीं गाड़े थे। तुरंत बच्ची को चिकित्सालय पौड़ी ले आया गया और थोड़ा दिन इलाज के बाद अंकिता ठीक हो गई। यानी गुलदार ने दूसरा हमला किया था परंतु ये हमला उसका विफल हो गया और बेटी बच गई। इसकी सूचना फिर वन विभाग को दी गई और वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ चीफ को इस दूसरी घटना की सूचना दी गई, परंतु वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस गुलदार को आदमखोर घोषित नहीं किया गया। अब वन विभाग के पास 2 स्थान हो गए थे, अतः उन्होंने घड़ियाल धार पे भी पिंजरा लगा दिया कि किसी प्रकार से ये गुलदार जो है वो पिंजरे में कैद हो जाए। परंतु गुलदार शायद बहुत चालाक था क्योंकि 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 20 दिन ये एकदम चुपचाप रहा और उसके बाद 30 तारीख इसने बालिका को घायल किया और परंतु ये जो गुलदार था ये किसी भी पिंजरे के नज़दीक फटक नहीं रहा था। वन विभाग पर लोगों का बहुत दबाव पड़ा और वन विभाग ने अपने पिंजरों की संख्या और बढ़ा दी, परंतु गुलदार
अधिक शातिर होने के कारण ये किसी भी प्रकार से किसी भी पिंजरे के नजदीक नहीं जा रहा था और वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी भी प्रकार से इस गुलदार को पिंजरे पे पकड़ा जाए। और उसके बाद दोस्तों अगस्त आया, सितंबर आया और लोग धीरे धीरे इन घटनाओं को भूलने लगे। वन विभाग के जो पिंजरे लगातार एक्टिव थे वे एक महीने बाद धीरे धीरे अब उन पे कभी चारा डाला जाता और कभी नहीं, और लोग भी धीरे धीरे इन घटनाओं को भूलने लगे थे। उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर आ गया। जो हरियाली और जो लेंटीना में जो छुपाव पहले हरे पत्तों के कारण था, अब ये पत्ते गिर चुके थे। सब्जी की बेलें, पेड़ों के पत्ते, फसलें सब कट चुकी थी। अब लगभग जाड़ों में जो है वो सारा एरिया एकदम खुला हो जाता है और गुलदार को अब घात लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखा गया है कि जाड़ों में गुलदार की घटनाएं अधिक होती है। दोस्तों नया साल शुरू हो चुका था, यानी 2008 आरंभ हो चुका था। अब लोग जो पहले गुलदार के भाई से डरे हुए थे वो सारे लोग भूल चुके थे। 15 जनवरी 2008 को उत्तरायणी का मेला था और उस दिन घंडियाल धार में घंडियाल के मंदिर पे भी एक मेला लगता है। उस मेले में सारे जो स्थानीय लोग हैं वे जाते हैं, बच्चे इस मेले का इंतजार करते हैं और खुशी खुशी उस दिन इस मेले में खिलौने लेने, मिठाई खाने और इस अन्य अनेक प्रकार की एक उत्साह उनमें होता है बच्चों में और वे भी मेला में सम्मिलित होते हैं। घंडियाल धार के नीचे एक बने एक छोटा सा मार्केट है और उसी मार्केट से एक रास्ता ठीक सामने एक हल्का सा सूखा नाला और उसके बाद सीधा होता हुआ उस धार के पीछे जो गांव बसा है मेंडा वहां तक जाता है। घंडियाल धार इस मेले में मेंडा गांव के सारे बच्चे लगभग अपने माँ बाप के साथ सभी इस मेले में गए थे। इनमें सुनील कुमार की बेटी 9 साल की अंकिता भी थी जो उस समय कक्षा 4 में पढ़ती थी। मेले से बच्चे अपने लिए अनेक खिलौने लेके आए, जिसके पास जितना पैसा था वे लोग अपने लिए अलग अलग खिलौने वहाँ से उन्होंने मेले से खरीदे और बच्चों में एक लालसा होती है कि वे उस खिलौने को घर पे ले जाए और उसके बाद सब उसको मिलकर अपने अपने खिलौनों से एक दूसरे को खेलने के लिए देते हैं और यही एक बालपन की जो उमंग होती है, जो बालपन की एक लालसा होती है खिलौनों से खेलने की, उसका आनंद बच्चे लेते हैं। तो सारे बच्चे अनेक अलग अलग खिलौने लेके शाम के समय अब घर की ओर चल दिए थे। घंडियाल धार से बने लगभग 5 किलोमीटर दूर है। बच्चे कुछ पैदल कुछ टैक्सी द्वारा बने पहुंचे। लगभग शाम हो चुकी थी, धूप छिप चुकी थी और बनेक से केवल मेंढा गांव 1.5 किलोमीटर दूर है। यानी उसी जो रोड बनेक से सामने जो पैदल मार्ग जाता था उससे इन लोगों ने अपने गांव मेंढा जाना था, जहां पे ये सूखा नाला था। उसके बाद उस सड़क पर शायद
वन विभाग द्वारा वनीकरण किया गया था और उस पर वन विभाग की एक दीवार जो थी उसके रास्ते के ऊपर से बहुत लंबे उस धार तक जहाँ से मेंढा गांव की जो धार है उसके बाद मेंढा गांव दिखाई देता है वहां तक की दीवार उस पर लगी हुई थी। अंकिता भी अपने दोस्तों और माँ के साथ मनेक से उस रास्ते पे अपने गांव की ओर हंसी खुशी उछलते कूदते ये घर के लिए जा रहे थे। यहाँ पे ये समतल और जो मैंने आपको कहा कि वो दीवार थी वहाँ पे पहुँचते ही अंकिता को लघु शंका लग गई और उसकी माँ उसको लघु शंका को वहीं पर छोड़ के आगे उससे लगभग 20-30 मीटर उस धार पे सारे बच्चे और लोग बैठ गए। अंकिता ने अपने खिलौने वहीं रास्ते के पे रखे और वो लघु शंका के लिए बैठ गई। शायद उस दिन कोई गुलदार इन सारे लोगों को उस दीवार के आड़ से देख रहा था। जब उसने देखा कि अंकिता बिल्कुल अकेली है और ये गुलदार घात लगाए उस दीवार की आड़ पे आया और उसने तुरंत अंकिता पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद क्योंकि उस रास्ते के नीचे एकदम बिल्कुल ढलान थी और वही नाला जो था जो सूखा नाला था वहाँ तक कम से कम 50 मीटर नीचे एक मतलब गहरी गड्ढे जैसे बना हुआ था हल्का प्लाउट का और उसने अंकिता पे छलांग लगाते हुए उसको घिसटते हुए उस नाले में उन झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद अंकिता की माँ ने देखा कि अंकिता अभी तक नहीं आई है। उसने उसको आवाज़ लगाई परंतु अंकिता ने इस आवाज़ का जवाब नहीं दिया तो उसकी माँ तुरंत वहाँ पे पहुँची जहाँ पे अंकिता लघु शंका के लिए बैठी थी। परंतु उसने देखा कि उसके खिलौने तो वहीं रास्ते पे रखे हुए हैं परंतु अंकिता का पता नहीं है। एक दो आवाज़ लगाने के बाद जब अंकिता ने आवाज़ नहीं दी तो उसने गौर से देखा कि जहाँ पे अंकिता लघु शंका के लिए बैठी थी वहाँ से नीचे कुछ संघर्ष के निशान और कुछ घसीट के निशान दिखाई दिए हैं। तो वो फर्स्ट देखते ही पता चल गया कि अंकिता को गुलदार उठा के ले गया है और वो जोर जोर से रोने लग गई और चिल्लाने लग गई। उसी समय बनेक बाजार में जो लोग मेले से वापस लौट रहे थे वे भी दौड़ते दौड़ते लगभग दौड़ते वहाँ पे पहुँचे और कुछ बनेक के जो दुकानदार थे वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे और क्योंकि कुछ जो मेंढा के धार तक पहुँच चुके थे उन्होंने मेंढा गांव वालों को आवाज़ लगाई और वो लोग भी तुरंत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। सब लोग वहीं से नीचे जो 50 मीटर जो गहरा जो नाला था उस नाले में गए और सब ने हो हल्ला करते हुए आगे को बढ़ना शुरू किया उस घसीट के निशानों का पीछा किया। लगभग 100 गज दूर उनको अंकिता का शव प्राप्त हो गया। जो बेटी अपने खिलौनों के लेके अपने घर हंसी खुशी जा रही थी उसके दिल में भी एक लालसा थी कि मैं अपने साथियों के साथ खेलूंगी परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। अब वो इस दुनिया में नहीं थी। माँ का रोग के बुरा हाल था। उसकी बेटी जो अभी उसके साथ हंसते खेलते उछलते कूदते अपने घर की ओर जा रही थी अब उसके सामने उसका शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और राजस्व को दी गई। वन विभाग द्वारा उसी समय वाइल्ड लाइफ चीफ को इसकी सूचना दी गई क्योंकि ये अब तीसरी घटना हो चुकी थी और रात्रि 8 बजे ही वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा क्योंकि अब इस घटना के बाद बहुत बड़ा जन आक्रोश जो था वो लोगों में फैल चुका था और बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला था। इसको देखते हुए वाइल्ड लाइफ चीफ ने रात 8 बजे ही इस गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया। वन विभाग द्वारा फिर इस एरिया पे और पिंजरे लगा दिए गए। राजस्व विभाग द्वारा इस बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और ये बनेक का जो आदमखोर था ये ऐसी घटना कर चुका था और इसमें एक होनहार बच्ची जो किसी मेले को देख के आ रही थी उसकी बलि चढ़ चुकी थी। मुझे इस आदमखोर को मारने के लिए 16 जनवरी को अधिकृत किया गया। मैं अपने साथी वीरेंद्र के साथ यहाँ से कणप्याक, कणप्याक से श्रीनगर, श्रीनगर से पौड़ी
और पौड़ी से आडवाणी, और आडवाणी के बाद हम लोग फॉरेस्ट की गाड़ी से बनेक पहुंचे। बनेक पहुंचने पे क्योंकि पूर्व घटनाओं के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो घटनाएं लगभग 5-6 महीने पुरानी थी, इसलिए केवल हमारे दृष्टि में उस समय केवल एक ही घटना थी कि जो बनेक वाली जो मेरा बनेक मेरा की जो घटना थी वही हमारे सामने थी, और बनेक मार्केट से वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 गज की दूरी पे थी। तो बनेक बाज़ार में एक जो दुकान नई बन रही थी वहाँ पे हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया गया, और उसी बगल पे बनेक में कोई जो चाय वाला था उसको हमें खाना बनाने के लिए रख दिया गया, और अब हम लोग उस गुलदार को ढूंढने के लिए सक्रिय हो चुके थे। 18 तारीख से हमने इसको ढूंढना शुरू किया। हम जिस एरिया पे इस बच्ची को गुलदार द्वारा मारा गया था उस रास्ते पे जब हम गए तो हमने देखा कि इस पे ये गुलदार इससे पहले भी चला हुआ था और इसके बहुत सारे क्रैश इस पे थे, और लोगों ने हमें बताया कि और गांवों में भी ये गुलदार दिख रहा है, परंतु हमें मेन जिस प्लेस पे घटना हुई थी उसी को हमने ज़्यादा टारगेट किया। वन विभाग के जो पिंजरे थे उन पिंजरों को हमने वहाँ से हटा के एक पिंजरा हमने बनेक मार्केट से केवल 50 मीटर दूर लगा दिया, ताकि रात को बाई चांस कभी इसमें कुत्ता ना बंधे तो हम रात को अपनी बकरी इसमें डाल सकें। और हम लोग अभी मचान यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि पहले हमें ये पता करना था कि वास्तव में यहाँ पे है कितने गुलदार। अब हम देख रहे थे कि इस क्षेत्र में अधिकतर सक्रिय केवल एक 7-8 साल का मेल गुलदार ही सक्रिय है, शायद यही आदमखोर था। 20 तारीख के लगभग हम लोग उस मेंढा गांव पहुंचे। मेंढा गांव में रात को हमने उन सारी बस्तियों पे उन गांवों पे हमने सर्चिंग किया, परंतु हमें गुलदार कहीं नहीं दिखा। रात को हम लोग अब भंडियाल से सीधे बनेक तक ओपन गाड़ी से भी सर्च कर रहे थे, क्योंकि ओपन गाड़ी से बहुत लंबा एरिया आदमी रात को सर्च कर सकता है, परंतु हमें केवल खरगोश, वॉकिंग डियर और ज़्यादा और कुछ दिख नहीं रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और लगभग 27 तारीख आ गई। 27 तारीख को शाम के समय हम लोगों ने उस पिंजरे पे एक कुत्ते को डाला, और उसके बाद हम लोग सर्चिंग के लिए और गांवों को लिंक करने के लिए खुली गाड़ी से चल दिए। तब हम एक राउंड मारने के बाद बनेक मार्केट में पहुंचे तो मैंने देखा कि आज कुत्ता जो है वो जोर जोर से भौंक रहा है, और इस कुत्ते की आवाज़ में कुछ डर का जैसा अनुभव ये कुत्ता कर रहा है। तो मैंने वीरेंद्र से कहा कि चलो हम देख के आए ये कुत्ता ऐसा क्यों भौंक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलदार इसके पीछे से इस पे छेड़खानी कर रहा हो, इसलिए कुत्ता एक प्रकार के रोने की जैसी आवाज़ में भौंक रहा है। और मैं वीरेंद्र लाइट लेके और राइफल लेके नीचे गए। नीचे से हम लोग जो पिंजरे के नज़दीक पहुंचे तो मैंने लाइट मारी, तो जो लाइट पड़ी तो मैंने देखा कि पिंजरे के पीछे से एक बड़ा सा गुलदार निकल के उस रास्ते के नीचे चले गया है। मैं पिंजरे पे गया, मैंने पिंजरे पे देखा तो जो पीछे से पिंजरे के पीछे जो हम लोगों ने कटीली झाड़ियाँ को लगा रखी थी उस गुलदार द्वारा वो सब हटा दी गई थी। यानी गुलदार बहुत चालाक था, कोई आगे से न जाकर पीछे से कुत्ते को छीलना चाह रहा था या कुत्ते को निकालना चाह रहा था। पिंजरे की जो सरिया थी वो लगभग क्लोज थी, इसलिए जो गुलदार का पंजा था वो उसके अंदर नहीं घुस पा रहा था, इसलिए वो कुत्ते को क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। गुलदार को देखते ही हमें पता चल गया कि यही आदमखोर है, और क्योंकि वो रास्ते से नीचे निकल चुका था और नीचे बहुत झाड़ियाँ थी। मैंने वीरेंद्र से कहा कि वीरेंद्र यदि हम
यहाँ से सीधे ठीक सामने जाएं और जहाँ से वो बच्ची को उसने उस दिन उठा के ले गया था, यदि हम वहाँ जाकर सीधे इधर को सर्च लाइट मारे तो ये वाला पोर्शन हमको साफ दिख जाएगा। और मैं और बिरेंदर तुरंत बिना लाइट वाले हुए ठीक उस गुलदार के सामने उस रास्ते पर पहुंचे। बिरेंदर ने वहां से जब लाइट मारी तो मैंने देखा कि एक छोटे पेड़ और एक पत्थर पे गुलदार हमारी ओर नजरें करके बैठा हुआ है और उसकी आंखें पूरी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने तुरंत राइफल कंधे पे लगाई, टेलीस्कोप से जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि गुलदार इस प्रकार बैठा हुआ है कि गुलदार की केवल ये दो टांगें और उसका सर और इतना गला जो है सफेद हमें दिखाई दे रहा है और सर दिखाई दे रहा है। हमारी दूरी लगभग 150 गज है और इस पोर्शन को यदि हम एम करें तो कहीं हमारी गोली यदि थोड़ा से हिलने के बाद न लगे तो ये गुलदार से बच जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद कि हम इस गुलदार को खड़ा होने दें या इस गुलदार को निकलने दें और उसके बाद तब इसका शरीर जब पूरा दिखेगा तब इसको फायर करें, परंतु हमें ये था कि यदि ये गुलदार एक बार यहाँ से निकल गया तो यहाँ नीचे बहुत झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों में इस गुलदार का दोबारा दिखना लगभग असंभव है। मैंने फैसला किया कि जो भी हो मैं ठीक इसके गले का एम करता हूँ और इस गले के एम पे ही इस पे फायर कर देता हूँ। और मैंने अपना घुटना आगे किया, घुटने का मैं अपनी कोहनी को टिकाया और राइफल से सीधा उसके गले का निशाना लेते हुए मैंने ट्रिगर लगा दिया। एक धमाका हुआ और धमाके के साथ गुलदार उछलता हुआ सीधे नीचे लुढ़कते हुए नीचे नाले पे गिर गया। और मैंने बिरेंदर से कहा, बिरेंदर ये तो मर गया। हाँ, बिरेंदर ने कहा कि हाँ ये तो मर गया। और हम लोग लाइट से देख रहे थे कि ये कहाँ गिरा हुआ है। तब तक हम देखते हैं कि जो दो आंखें नीचे चमक रही थी वे धीरे धीरे एक झाड़ी की ओर खिसक रहे हैं और उसके बाद उस झाड़ी में बहुत काफ़ी देर तक वो आंखें वैसे रही। तो कि शायद इस पे उतनी ताकत होगी उस समय, इसलिए ये इस झाड़ी तक तो पहुंच गया है और अब इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। और मैं और बिरेंदर वापस अपने कैंप आ गए। कैंप में हमने खाना खाया क्योंकि रात को हम इस गुलदार को ढूंढते नहीं थे, इसलिए अब सुबह इसको ढूंढने का हम लोगों ने निश्चय करके हम लोग सो गए। सुबह हम लोग जल्दी उठे और उसके बाद हम लोग जहाँ से हमने गुलदार पे फायर किया था वहाँ से उस गुलदार के पगचिन्हों पे हम लोग नीचे पहुँचे। जहाँ से गुलदार नीचे गिरा हुआ था वहाँ पे बहुत काफ़ी ब्लड था और उसके बाद जो झाड़ी थी उस झाड़ी में जहाँ पे गुलदार हमने लास्ट समय तक देखा था वहाँ पे बहुत काफ़ी ब्लड इस गुलदार का गिरा हुआ था, परंतु वहाँ पे गुलदार का शव नहीं था। तो हमने सोचा ये थोड़ा और आगे निकल गया होगा, इसलिए हम लोग उस ब्लड के टेल पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैंने देखा कि ये गुलदार जो है धीरे धीरे लेटते लेटते आगे को बढ़ता चला जा रहा है और लगभग दोपहर तक हम लोग इस गुलदार के पीछे 200 मीटर तक पहुंच गए थे उन झाड़ियों में देखते देखते। उसके बाद हम लोग फिर कैंप वापस आए और दोपहर के खाने खाने के बाद अब हम दूसरे हथियार को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि पहले तो हमें ये विश्वास था कि गुलदार वहीं पे मरा हुआ है इसलिए हम खाली राइफल ले गए थे, परंतु अब हमें ये था कि ये गुलदार अभी जिंदा है और घायल है, उस हो ना हो ये कहीं हम पे आक्रमण कर ले। इसलिए मैंने राइफल वीरेंद्र को दे दी और 12 बोर के दोनों बैरलों में मैंने 6-6 दाने वाले जो LG थे वो भर के अब मैं आगे से इस गुलदार को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते हम लोग हमें शाम हो गई और लगभग हम 300 मीटर तक इसके पीछे चल दिए थे। और क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब हम इसके पीछे चल रहे हैं तो ये गुलदार उठकर चल दे रहा है, क्योंकि जहाँ से ये उठ रहा था वहाँ पे ब्लड की
ताजी बूंदें हमें मिल रही थी और ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा था। अब हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी गोली इस गुलदार को कहाँ लगी है। मैंने तो इसके गले का निशाना लिया था, हो ना हो कहीं ऐसा ना हो कि गोली यहाँ से रपटते हुए यानी इसके बाजू के अंदर इस शोल्डर के अंदर घुसकर यहाँ से बाहर निकल गई हो। यही मुझे सबसे ज़्यादा आशंका लग रही थी। यदि ये गोली यहाँ से अंदर घुसती तो इसको उसके चेस्ट में घुसनी चाहिए थी और चेस्ट वाले गुलदार को इतने दूर तक जाना नहीं चाहिए था। ये तो निश्चित था कि इस गुलदार की चेस्ट में गोली नहीं घुसी है। ये गोली या तो इसके बाजू के अंदर से बाहर निकल गई है या इसके गले को छेदते हुए श्वास नली को बचा के और गर्दन के हड्डी को बचा करके मानसी मान से निकल चुकी है। दोस्तों लगभग 3 दिन तक हम इस गुलदार को लगातार ढूंढते रहे और उसके बाद ये गुलदार लगातार जो था वो नीचे की ओर जा रहा था, यानी जहां ढलान थी ढलान की ओर धीरे धीरे घिसते हुए ये नीचे खिसक रहा था। और उसके बाद क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा था अब धीरे धीरे इसका ब्लड हमें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं और वीरेंद्र लगभग 30 तारीख को वहाँ से वापस गैरसैंण आ गए। आशा थी कि हम गुलदार को मार के उसके शव का पोस्टमार्टम करके आते, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए हम लोगों का इसका शव नहीं मिला। और दोस्तों तारीख को ये गुलदार यहाँ पे अंतिम हमने छोड़ा था इसको, उससे 100 मीटर और नीचे एक रास्ते पे एक झाड़ी में सुबह घास को जाती हुई औरतों को दिखाई दिया। उन लोगों ने अपने घर वालों को इसकी सूचना दी और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना मिली। वहाँ से सुरेंद्र जो वन दरोगा थे वे अपनी गन के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक गुलदार जो है एक झाड़ी के अंदर लगभग मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, निढाल पड़ा हुआ है, हल्ला और पत्थर फेंकने के बाद भी वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उनके द्वारा उस पर एक फायर किया गया, परंतु शायद वो गुलदार मर चुका था। और उसके बाद उसके शव को वन विभाग द्वारा वहाँ से उठाकर रेंज कार्यालय पहुँचाया गया। जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो गोली मेरे द्वारा उस दिन चलाई गई थी वो गोली इसके बाजू के अंदर से होती हुई इसके पेट के बगल से बाहर निकल चुकी थी, परंतु इसके द्वारा इसके चेस्ट वाले इलाके को, इस चेस्ट वाले जो एरिया है उसको बिल्कुल नहीं छुआ गया था। इसलिए ये गुलदार लगभग 2 तारीख तक जिंदा रहा। समय बीतने के कारण गोली के द्वारा जो पोर्शन जो इस फट्टे के अंदर वाला पोर्शन था इसमें पूरी तरह से सेप्टिक हो चुका था और उस सेप्टिक होने के कारण अब इसके चेस्ट पे इस सेप्टिक का असर पड़ा और ये गुलदार लगभग 1 हफ्ते बाद मर गया। खैर दोस्तों क्योंकि गुलदार का शव हमें उस समय प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु कम से कम इन बच्चों के हत्यारा जो है वो 7 दिन बाद मरा, परंतु मर चुका था। अब इस एरिया पे तब से अब तक कोई भी गुलदार सक्रिय अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस समय वहाँ था नहीं, इसलिए उस समय के मेरे पास कोई फोटोग्राफ्स इस गुलदार के नहीं हैं और ना ही मेरे पास इसकी अखबार की कटिंग है। अखबार की कटिंग में 2 तारीख इस गुलदार को मरने के बारे में छपा था, परंतु शायद मैं उस समय इस कटिंग को रखना भूल गया।
खैर दोस्तों, आपको ये घटनाक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक रोमांचकारी घटनाक्रम के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।